नमस्कार दोस्तों, मैं दिब्यंदु मंडल, मेरा यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को स्वागत करता हूँ। मैं जो बाय सेल सिग्नल कम्स सॉरी मैं सोमवार के लिए मतलब 11-12-13 जनवरी 2019 के 2020 के लिए मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी का डायरेक्शन बताने का कोशिश करूँगा। तो ये आप लोग वीडियो अंत तक जरूर देखिए और वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैंने ये निफ्टी और बैंक निफ्टी का डायरेक्शन जो मैंने रेगुलर बताता हूँ वो आप लोग को रेगुलर बेसिस पे मिल जाएगा। और बाई सेल लेवल ऑफ इक्विटी कमोडिटी निफ्टी बैंक निफ्टी फ्यूचर्स और कुछ ईमेल मूविंग एवरेज का स्ट्रेटेजी उस वो कौन सा स्टॉक्स में बनता है कौन कुछ कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन और इनसाइड द बार NR4 NR7 ये सब कौन सा कैंडलस्टिक में स्टॉक्स में बन रहा है वो भी दिखाता हूँ। तो इसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाएगा और आप लोग को बहुत सारा चार्ट का सेटअप मिल जाएगा जो आप लोग लाइव मार्केट में अच्छी तरह से प्रॉफिट कमा सकता है। और बहुत सारा स्ट्रैटेजीज है टेक्निक है वो भी आप लोग को मिल जाएगा और भी बहुत सारा चीज़ जो स्टॉक मार्केट में जानकारी के लिए ज़रूरत होता है वो मैंने बताऊँगा। तो मेरी सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि कोई भी वीडियो बनाऊँगा तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो देखिए मैंने निफ्टी 50 का चार्ट ओपन किया हूँ। इधर कल जो बुलिस जो थर्ड डे मतलब इधर जो बुलिस जो 8 तारीख को जो बुलिस रिवर्सल पैटर्न मैंने बना था मैंने उस दिन जब उसका उस दिन का आप लोग वीडियो देख सकता है बना था। उसके बाद ये अप ट्रेंड में गया था लेकिन इधर फिर से मैंने बोला था कि कंसोलिडेट होगा तो आज थोड़ा सा कंसोलिडेशन हुआ है थोड़ा सा 12,300 ब्रेक करके ऊपर गया है लेकिन फिर से नीचे आके क्लोजिंग दिया है 12,256 के आसपास क्लोजिंग दिया है। और ये 338 तक जब ऊपर जाएगा तो फिर से ट्रेंड ऊपर जा सकता है लेकिन इधर कंसोलिडेशन होने का चांसेस ज़्यादा है क्योंकि इधर और भी बहुत सारा चीज़ देखना पड़ता है। ये चार्ट का सेटअप और देखिए इधर 60 का भी लेवल अभी तक क्रॉस नहीं कर पाया इधर RSI का। तो ये अभी मैंने ऑप्शन चेन और वॉलिटी बाद में बताऊंगा। मैंने निफ्टी बैंक का भी देख लेता हूँ मोरलेस सेम पैटर्न फॉलो करके चलता है निफ्टी और बैंक निफ्टी वो भी आप लोग को देखिए ये जो पैटर्न बना था ये भी बुलिश रिवर्सल बना था उसके बाद ये ऊपर जाके फिर से कंसोलिडेशन हुआ है। ये इसको अपट्रेंड जाने के लिए 32,500 का लेवल ब्रेक करना पड़ेगा और नीचे आएगा तो ये 32,800 उसके बाद 32,450 तक आ सकता है 31,450 या 31,500 तक आ सकता है। उसका लेवल भी ब्रेक होगा तो और नीचे जा सकता है 30,000 के आसपास आ सकता है। तो मैंने आप लोग को लेवल्स भी दे देता हूँ तो आप लोग फॉलो रखिए वो वीडियो का। और इधर मैंने ऑप्शन चेन में थोड़ा सा एनालिसिस करने का कोशिश करता हूँ। ऑप्शन चेन में देखिए निफ्टी का जो ऑप्शन चेन है इसमें PCRSU 1.47 है और इधर 12,400 में इसका 12,400 में फास्टली 12,400 में इसका रेजिस्टेंस बना है कॉल साइड में सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट और 12,500 में ही रेजिस्टेंस बना है। और इधर दोनों में ही शॉर्ट बिल्डअप हुआ है और इधर थोड़ा सा उसके आगे 12,300 में थोड़ा सा लॉन्ग बिल्डअप दिखा रहा है। और इधर 12,100 में इसका जो रेजिस्टेंस है सपोर्ट है और उसके बाद 12,200 में इसका सपोर्ट है 12,200 में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और इधर देखिए लॉन्ग अनविंडिंग हो रहा है तो मतलब ये ऊपर जाने का थोड़ा सा इंडिकेट कर रहा है लेकिन इधर जो IV है वो बहुत ही गिर गया है तो इसमें और प्राइस भी इधर गिर रहा है मतलब अपसाइड में जितना जा रहा है तो इसका शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है। और PCRSU को भी कंसोलिडेट करना पड़ेगा तो 1.77 कल 1.47 हो गया है तो कंसोलिडेशन होने के वजह से ये मतलब ये इसको नीचे आना चाहिए थोड़ा सा नीचे आके कॉन्फ्यूट करेगा ऐसे ही लगता है 12,200 आसपास या 12,200 के नीचे जा सकता है और लेकिन फिर से 12,300 के ऊपर ऐसे ही करेगा लेकिन ज़्यादा आपके लिए नहीं दे पाएगा
क्योंकि इधर 12,500 12,600 ऐसा नहीं जाएगा, क्योंकि इधर जो पी रेशियो और पी बी रेशियो है उसको बहुत ही हाई लेवल पे ट्रेड कर रहा है, तो इसीलिए निफ्टी बैंक निफ्टी का अभी बहुत ही अपट्रेंड जाने का चांसेस बहुत ही कम है। और बैंक निफ्टी का मैं देखूँगा तो इधर 1.1 के थोड़ा सा ऊपर है, इधर 32,500 में इसका रेजिस्टेंस बना है, और इधर शॉर्ट बिल्डअप हुआ है, और इधर भी 12,500 में शॉर्ट बिल्डअप हुआ है, इधर आईबीवी थोड़ा सा इधर भी आईबीवी गिर गया है, तो इधर इंडिकेट कर रहा है कि दोनों ही दो साइड में शॉर्ट बिल्डअप है, साइडवेज मूवमेंट का ही सॉरी साइडवेज कंसोलिडेशन का ही इंडिकेट कर रहा है। तो मैंने इस एक्सपायरी का प्रोबेबिलिटी मैंने कैलकुलेशन करता हूँ, तो इधर मैंने इधर 12,200 में जो इधर जो कॉल इम्प्लाइड वोलेटिलिटी पुट इम्प्लाइड वोलेटिलिटी और डेज टू एक्सपायरेशन देके मैंने इधर 12,200 और 12,400 में इधर जो 12,200 के आसपास आने का प्रोबेबिलिटी इस एक्सपायरी में ज़्यादा है, और इधर ज़्यादा ज़्यादा दिखा रहा है प्रोबेबिलिटी, और इधर 31,500 में 32,000 बैंक निफ्टी थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी आप दिखा रहा है। और मैंने देखिए जो लेवल आप लोग को देता हूँ, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप पे भी लेवल दिया था, तो मैंने ये देखिए 32,535 ये सब बाई लेवल था और ये सब सेल लेवल था, आप लोग देख सकते हैं इस इधर सेल लेवल को आया नहीं है, लेकिन जब ये बाई का लेवल गया था तो इधर बाई का लेवल जब मैंने कंपेयर करके देता हूँ इधर पहले कैसे दिया था ये सब लेवल देखिए, इधर इधर से मैंने दिया था ये देखिए 12,533 का 7 डेज का हिसाब से इसका लेवल था, उसके बाद 5 डेज का हिसाब से भी 533 बाई का लेवल था, उसके बाद 3 डेज का हिसाब से 449 का बाई का लेवल था, उसके बाद 2 डेज का हिसाब से 242 इसके बाद इसका लेवल था, और 1 डेज का हिसाब से ये 204 का ऊपर लेवल था, तो जो 308 मतलब 300 के ऊपर जब गया था ये 382-84 तक गया था, उसके बाद ये के नीचे आ है 31,868 तक तो नहीं आ पाया, लेकिन इधर से जब आप लोग कंपेयर करेंगे तो इधर आप लोग देख सकते हैं कि ये जब आगे से जब कंपेयर करेंगे तो आप लोग को पता चलेगा कि ऊपर से ये नीचे आने का लेवल लेवल में ये आया था, अब इधर 15 डेज का भी हम लोग देख सकते हैं, इधर देखिए 31,695, इसके बाद ये 468 इधर जब 306 के नीचे गिरा था ये अभी 32,000 के नीचे थोड़ा सा ये तो नहीं आया है ये लेवल, ये लेवल अभी तक आया नहीं है, तो ये सब लेवल अभी तक आया नहीं है, तो बाद में देखना पड़ेगा ये उसका जो चार्ट का सेटअप है उसमें आया था जो सेल का लेवल जो आया था इधर 32,266 से इसका सेल का लेवल अभी आज आया था, तो इधर आप लोग देख सकते हैं 5 मिनट का चार्ट दिखाता हूँ, देखिए इधर से जब 32,264 या 32,200 इधर से जो क्रॉस किया था तो 32,264 के नीचे ये पूरा सेल का लेवल आ गया था, इधर 31,961 तक आ गया था, तो ठीक है दोस्तों, तो आप लोग रात में आप लोग को लेवल भी दे दूंगा निफ्टी और बैंक निफ्टी का, आप लोग मेरे साथ स्टेटिंग रही है तो आप लोग को ये सब वीडियो मिल जाएगा, आप लोग को भी ट्रेड करने का बहुत ही सुविधा हो जाएगा, तो तब तक के लिए धन्यवाद।